और जो बड़ा सरप्राइज आईटी स्टॉक्स ने किया है, आईटी सेक्टर ने, इनफैक्ट टीसीएस के तो बीट ऑन ऑल पैरामीटर्स देखे, बीएफएसआई स्पेस में कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो रहा है, वहां से विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी देखने को मिली है, जो एक बड़ा की कंसर्न रहता भी है, और प्लस लार्ज ऑर्डर विंस को लेकर भी थोड़ी सुधरती हुई चीजें दिख रही हैं। आप आईटी पैक पर इस वक्त, इस बार जो ये जो इनिशियल नंबर्स आ रहे हैं, इसको देखकर आप क्या व्यू बना रहे हैं पूरे स्पेस के लिए? तो पिछले एक दो तो बार हम लोग जिक्र किए थे कि आईटी हम लोग के स्क्रीन पे आ रहे हैं अभी, क्योंकि वो काफी अंडरओन्ड है, काफी है ना, वैल्यूएशन सस्ते हो चुके हैं, वो स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। उसके बावजूद हम लोग लिए नहीं, क्योंकि थोड़ा मैक्रो एनवायरनमेंट जो यूएस में है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, नतीजे काफी अच्छे आए हैं तो उस हिसाब से लेते तो बेहतर रहता, पर अभी भी थोड़ा सा हम लोग के मन में वही स्केप्टिसिज्म है कि भाई यूएस कहीं पे स्लो डाउन हो जाएगा, और लग तो रहा है कि इस साल यूएस इकोनॉमी स्लो होएगा, तो उसको लेते हुए फिर थोड़े आईटी में वापस है ना जो ऑर्डर बुक है और जो है ना आउटलुक है वो वापस से थोड़े बदल सकते हैं, तो इस हिसाब से आईटी हम लोग है ना अभी भी थोड़े अंडरवेट ही है। ज्योति, आपका कन्विक्शन कहाँ पे हाई है, हाई था, मतलब 2023 में भी आप उस पर काफ़ी बुलिश थे और आपको लग रहा है कि अभी वो जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो और चलेगा, वो कोई एरिया है क्या? तो देखिए, एक एरिया था कैपिटल गुड, पर अभी कैपिटल गुड पे थोड़ा सा कॉशियस हो चुके हैं, काफी रनअप आ गए स्टॉक्स पे, यहाँ से भी अगले 3 साल में अच्छा करेगा ये सेक्टर, पर एक बार थोड़ा सा है ना रुक सकते हैं स्टॉक्स, एंड अभी है ना थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए या एटलीस्ट कंसोलिडेशन के लिए रुकना चाहिए। पर दूसरे दो सेक्टर है जो अच्छे नहीं किए, तो एक है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर पिछले साल अच्छा नहीं किया, बैंकिंग अब है ना वैल्यूएशन पे सस्ता दिख रहा है, वहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा गिरेगा, पर इस भाव पे हम लोग को बैंकिंग काफी अच्छा लग रहा है, और बैंकिंग में अगले 1-2 साल में अच्छा रिटर्न आना चाहिए, तो एक सेक्टर है बैंकिंग। यहाँ पे ना क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, थोड़ा निम प्रेशर आएगा, पर फिर भी एनपीएल्स कंट्रोल में रहेंगे, और कई बैंक से ना मिल रहे हैं जो है ना काफी सस्ते हैं, प्राइस टू बुक 1 के नीचे है या 1.5 के नीचे है, वहां पे ना पैसा बनेगा। दूसरा सेक्टर है सीमेंट, जो हम लोग पिछले साल भी काफी बुलिश थे, इस साल भी बुलिश है। सीमेंट में एक बड़ा ट्रिगर रहेगा कंसोलिडेशन, तो हम लोग की नजर है सब छोटे कंपनीज पे जो शायद है ना कोई बड़े कंपनी उसको टेक ओवर कर सकते हैं, ये सब ट्रेड होते हैं काफी सस्ते, $60-65 पर टन पे ट्रेड होते हैं, और जो डील्स हो रहे हैं जहाँ पे ना बड़ी कंपनी टेक ओवर कर रही है, ज्यादातर करीब $100 पर टन पे हो रही है, तो ये तो है ना एक दूसरा सेक्टर है जो अच्छा कर सकेगा। तीसरा था फार्मास्यूटिकल, तो पिछले साल हम लोग फार्मास्यूटिकल पे धीरे धीरे बुलिश हुए थे अर्ली पार्ट ऑफ लास्ट ईयर, तो वहां पे अभी भी तेजी करार रख रही है। जो यूएस जेनरिक में काफी प्राइस प्रेशर था पिछले 5-6 साल में, यूएस जेनरिक का प्राइस प्रेशर खत्म हो गया है, तो डिमांड एनवायरमेंट बेटर हो गया, प्राइसिंग भी बेटर हो गया, इधर है ना काफी अर्निंग्स तो देखने मिलेगा फार्मा सेक्टर में, तो ये 3 सेक्टर है जो हम लोग अभी भी है ना।